वालेकुम स्टूडेंट्स, टेंथ बायोलॉजी में आज हमारा आठवां लेक्चर है, सेकंड चैप्टर होम्योस्टेसिस का। और आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है और बड़ा ही ये आसान लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन से हमारी क्या मुराद है। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम होता है जिसके अंदर हमने बॉडी में साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना होता है। तो साल्ट और वाटर को कांस्टेंट रखना बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का काम बेसिकली किडनी ही करते हैं। यानी ऑस्मो रेगुलेशन की पहले तो डेफिनेशन ये है, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार ऑफ साल्ट एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के अंदर। तो बेसिकली मेंटेन वाटर एंड साल्ट इन ब्लड। हमारे खून के अंदर ना पानी की एक ख़ास मिकदार होती है। आप यूँ कह लें कि हमारे ब्लड के अंदर 90% पानी होता है। जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, सपोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हो या आपने एक साथ 4 गिलास पानी के पी लिए, वो ज़्यादा पानी आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है, जिस्म के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो हमारे किडनी ने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, उस एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है। इसी तरह अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, आपने 2 दिन से पानी नहीं पिया या आपका रोज़ा है, काफ़ी देर से आपने पानी पिया ही नहीं, तो अगर किडनी इस कंडीशन में भी वाटर को और ज़्यादा रिमूव करेंगे फिर तो पानी की कमी से हम मर सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब पानी की कमी हो, किडनी उस पानी को बचाते हैं। ठीक है, यानी किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है और फिल्टर करने वाला ऑर्गन भी है ब्लड को। तो 2 बातें हो सकती है, एक अगर बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का तो ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है, हमारा खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये आम सी बात है कि अगर जिस्म से पानी निकल जाए, रिमूव हो जाए वाटर, तो ब्लड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकता है और ये कंसंट्रेटेड ब्लड नालियों में जम जाएगा। हमने ब्लड को नॉर्मल रखना है। इसी तरह अगर एक्सेसिव इनटेक हो, इनटेक मतलब आप ज़्यादा पानी पिए, तो इट डाइलेट्स ब्लड। डाइलेट का मतलब होता है पतला, ब्लड पतला हो सकता है। अब पतला ब्लड भी हमने नहीं करना, हमने कंसंट्रेट भी नहीं करना। तो इन दोनों कंडीशन में किडनी क्या करता है। अब पहली कंडीशन बहुत आसान, एक्सेस वाटर इन बॉडी। अगर बॉडी के अंदर पानी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, फिर देखिए किडनी ने, क्योंकि ब्लड को फिल्टर तो किडनी ने ही करना होता है, वाटर को रिमूव भी किडनी ने ही करना होता है, तो फिर ये होगा कि मोर फिल्ट्रेशन। आपको याद होगा कि ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे ब्लड आता है इस ग्लोमेरुलस, इस खून की नालियों के गुच्छे में। तो अगर हमारे अंदर पानी एक्सेस है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। फिर लेस रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन कम से कम होगी, यहाँ से वाटर की जो रीअब्सॉर्प्शन है ये थोड़ी होगी। अब फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, यानी यहाँ से चीज़ें ज़्यादा फिल्टर हुई है, तो रीअब्सॉर्प्शन कम से कम हुई है, तो आपको पता है कि यूरिन ज़्यादा बनेगा। तो एट द एंड जो चीज़ बनेगी, जो यूरिन होगा वो ज़्यादा बनेगा, उस यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर को इतना रीअब्सॉर्ब नहीं किया गया, इस वजह से डाइल्यूट यूरिन बनेगा। बात समझ आई, वाटर को रीअब्सॉर्ब ही कम किया गया है, फिल्टर ज़्यादा किया, वापस कम जज़ब किया, तो बहुत ही डाइल्यूट यूरिन बनेगा, यानी पतला यूरिन बनेगा। तो यानी कि किडनी मेक हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक पतले को ही कहते हैं बच्चों, पतला यानी डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो इस वजह से एक्स्ट्रा वाटर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, जिस्म से उस एक्स्ट्रा वाटर को निकाल दिया जाता है। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, विच इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी। अगर पानी की बॉडी के अंदर कमी हो, वाटर कम हो, तो आपको पता है कि किडनी का जो मेन फंक्शन होगा तब होगा वो कंजर्व करना,
तब हमने वाटर को रिमूव करना है। अगर वाटर एक्सेस हो वाटर को रिमूव करना है, अगर वाटर लेस हो उसको कंजर्व करना है। तो इसके लिए फिर वाटर को कंजर्व करने के लिए फिल्ट्रेशन कम होगी, यानी ये जो पहला स्टेप है, जैसे मैंने पिछली डायग्राम में बताया कि यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होगा इन खून की नालियों ग्लोमेरुलस से, वो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर मोर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, वापस पानी को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा किया जाएगा। तो इन दोनों वजह से पानी जो है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, यानी वाटर इज रिटेन्ड। तो इस दौरान अब जो यूरिन पैदा हुआ वो यूरिन होगा भी लेस यूरिन, यानी कम यूरिन होगा, उसके अंदर वाटर भी लेस होगा, उसमें पानी लेस होगा। और ज़ाहरी बात है जब यूरिन में वाटर कम हो, साल्ट्स वगैरह यूरिया वगैरह ज़्यादा हो, तो वो यूरिन गाढ़ा होता है, और गाढ़े को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक यूरिन इज़ प्रोड्यूस, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल वाटर हो, तो तब अगर नॉर्मल वाटर है फिर फिल्ट्रेशन भी नॉर्मल होगी, रीअब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल होगी, और एक आम सी मकदार के अंदर यूरिन पैदा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।